Hello friends, so welcome to your English coach. Today we are going to talk how to get band 6 in IELTS speaking. If you want to score band 6 in 21 days in IELTS speaking, then this video is for you. इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक गाइड आपके साथ शेयर करेंगे जिसे आप यूज करके 6 बैंड तक 21 डेज में बड़े आराम से पहुंच जाओगे. उसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एग्जामिनर किन पैरामीटर्स को 6 बैंड अवार्ड करने के लिए यूज करता है. आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि एग्जामिनर्स को मेरी स्पीकिंग में, मेरे इंटरव्यू में क्या चीज़ चाहिए कि मैं 6 बैंड एक्वायर कर पाऊँ. एग्जामिनर 4 पैरामीटर्स के बेस पे आपकी स्पीकिंग को जज करता है और उन पैरामीटर्स में जहाँ पे भी आपका परफॉर्मेंस और आपका इंटरव्यू फिट बैठता है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको बैंड अवार्ड करता है. तो इस वीडियो में हम एग्जामिनर के उन्हीं 4 पैरामीटर्स को यूज करके आपकी मदद करेंगे कि आप 6 बैंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको. तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक क्लियरिटी होगी और एक प्लान होगा जिसे यूज करके आप आइल्स में 6 बैंड अगले 21 डेज में एक्वायर कर सकते हो. तो दोस्तों यह वीडियो स्पेशली फॉर स्पीकिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 6 बैंड अवार्ड जो 6 बैंड एक्वायर करना चाहते हैं. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनर किस टाइप की स्पीकिंग को 6 बैंड अवार्ड करता है. जिन पैरामीटर्स को एग्जामिनर यूज करता है उन्हीं की मदद से आप खुद को आइल्स स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर गेटिंग 6 बैंड इन आइल्स स्पीकिंग. 6 बैंड के लिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है वो क्या कहता है कि विलिंग टू स्पीक एट ए लेंथ. कैंडिडेट वो एक लेंथ पे बोल सके. मे लूज कोहेरेंस, हो सकता है कि आप मेन टॉपिक से आइडिया से थोड़ा बहुत भटक जाओ. एंड ओकेजनल रिपीटेशन एंड करेक्शन, आप करेक्शन कर सको अपनी टॉक में बोलते हुए किसी भी वर्ड को रिपीट कर दो. राइट हाँ, एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, यहाँ पे आपको कनेक्टिव्स यूज करने हैं और जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर आपको डालनी है. देन यू विल बी एबल टू स्कोर बैंड 6. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू स्पीक एट ए लेंथ. इट मीन्स दैट आपको थोड़ा नहीं बोलना है, जितना ज्यादा हो सके उतना बोलने की कोशिश कीजिए. और अगर आपको रिपीट करने की जरूरत पड़े सो यू कैन रिपीट योरसेल्फ. तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो टिप है वो ये है, रेंज ऑफ कनेक्टिव्स. जितने ज्यादा आप कनेक्टिव्स यूज करोगे वो बहुत अच्छा मदद आपको करने वाला है. और डिस्कोर्स मार्कर्स, डिस्कोर्स मार्कर्स किसको कह सकते हैं, लाइक नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्यूटर गेम्स, इफ आई टॉक अबाउट द अफेक्ट ऑफ यू नो वीडियो गेम्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल. इस तरीके की बातें आपको अपनी स्पीकिंग में डालनी है ताकि आप जिस टॉपिक के बारे में बात करो एग्जामिनर के माइंड में वो आ जाए. ओके और आपकी जो टॉक है वो ज्यादा इंटरेक्टिव बन जाए. दिस शुड नॉट बी वन साइडेड टॉक, एक साइडेड टॉक नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर. पॉइंट नंबर 2 पर देखते हैं दोस्तों, हैज ए वाइड एनफ वोकैबुलरी. जो कैंडिडेट है उसकी वोकैबुलरी ठीक हो, अच्छी हो. डिस्कस टॉपिक्स एट ए लेंथ, टॉपिक के बारे में वो एक लेंथ पर बोलकर थोड़ा बहुत डिस्कस कर सके. मेक मीनिंग क्लियर, जो बात आप कहना चाहते हो उसका मीनिंग आप क्लियर कर पाओ. हाँ हो सकता है कि थोड़ी बहुत ही गलतियां आप वहां पे करो. ओके वोकैबुलरी को यूज करते हुए आप स्पेसिफिकली कुछ मिस्टेक्स वहां पे हो सकती है क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती दैट यू विल यूज द वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स. राइट या यू मे यूज इन स्पेसिफिक और इन अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी ओवर देयर. ओके तो 6 बैंड में सबसे ज्यादा रोल आपका प्ले करेगी वो है वोकैबुलरी आपकी. ओके जनरली पैराफ्रेज सक्सेसफुली, जो कैंडिडेट है वो जनरली किसी भी बात को अच्छे से पैराफ्रेज कर पाए. पैराफ्रेज का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मान लो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वेयर डू यू यूजुअली वॉच टेलीविजन, तो आप कैसे शुरू कर सकते हो इसको. वेल यूजुअली आई वॉच टेलीविजन इन माय पर्सनल रूम, मीन्स लाइक आपने उस क्वेश्चन को उसी टेंस में आंसर दे दिया. तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली उसको पैराफ्रेज कर पाओगे. तो पहले जो 2 पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये कहता है कि आप एक लेंथ पे बोलो और कनेक्टिव्स को यूज करें, डिस्कोर्स मार्कर्स को वहां पे यूज करें और आपके पास अच्छी वोकैबुलरी हो कि किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कस कर सको. राइट अपने मीनिंग को क्लियर करने की वहां पे आपको कोशिश करनी है
और पैराफ्रेजिंग आपको सीख लेनी है। पैराफ्रेजिंग का मीनिंग क्लियर है, जैसे हम आयल्स राइटिंग टास्क टू में करते हैं, तो उसी तरह हमें अपने वर्ड्स में किसी भी बात को लिखना होता है। यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स में किसी भी बात को बोलना आना जरूरी है। तो दिस वे यू विल बी एबल टू यू नो रीच बैंड सिक्स। अब देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप इग्नोर करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत डिफिकल्टी वहां पे फेस करो। तो पॉइंट नंबर थ्री क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर थ्री में क्या है दोस्तों, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। आपके जो सेंटेंस हैं, जो वाक सेंटेंसेस आप अपनी स्पीकिंग में यूज करने जा रहे हो, वो मिक्स होना चाहिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। अगर आप ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस बोलोगे वो आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश कीजिए आपके 60% जो सेंटेंसेस हों वो लंबे हों। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि आप दैट जोड़ के, हावेवर जोड़ के, इफ जोड़ के अपने सेंटेंस को लंबा कीजिए, राइट? ओके, हाँ, जब आप सेंटेंस लेंथी बनाने की कोशिश करोगे तो एग्जामिनर वहां पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सिक्स बैंड की है, और सिक्स बैंड का जो क्राइटेरिया, जो पैरामीटर्स एग्जामिनर यूज करेगा, उसमें आपको सिंपल और सेंटेंस यूज करने आने चाहिए। हाँ, ये भी है कि आपको 100% करेक्ट ना भी आए तो नो प्रॉब्लम ओवर देयर, मे मेक फ्रीक्वेंट मिस्टेक। जब आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वहां पे यूज करोगे तो हो सकता है कि वहां पे आपसे गलतियां हों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में। हाँ, और जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपकी बात को जिस तरीके से आप कहना चाहो उस तरीके से ना भी समझे। तो दीज आर द पैरामीटर्स दैट एग्जामिनर यूजेज। और रही बात प्रोनंसिएशन की दोस्तों, इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप आई स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस के यू नो प्रोसेस में ही आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो ठीक हो जाती है। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जो आप मिस प्रोनाउंस कर देते हो, तो सिक्स बैंड की स्पीकिंग में इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि आप थोड़ी बहुत मिस्टेक वहां पे कर सको। तो दोस्तों ये चार पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे सिक्स बैंड एक्वायर करने में। तो एक बार और दोस्तों इन पॉइंट्स को आप देख लीजिए, सो यू डू नॉट फॉरगेट देम एंड प्लान योर प्रेपरेशन। सो व्हाट डज फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि आपको एक लेंथ पे बोलना है। ओके, एक लेंथ पे बोलिए। अगर कोई चीज आपसे गलत निकल जाए तो उसकी करेक्शन आप कर सकते हो। कनेक्टिव्स को यूज कीजिए, आप कनेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, और डिस्कोर्स मार्कर भी। पहला जो पॉइंट है इसमें सिंपल क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लंबा बोलने की कोशिश करनी है। अपने आंसर को छोटा मत रखें, वाइड एनफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इकट्ठी कीजिए। टॉपिक वाइज वोकैबुलरी आप अगर इकट्ठी कर लोगे किसी भी एक टॉपिक बोलने के लिए, मान लो आपको मूवीज के बारे में बात करनी है तो मूवीज में एक्टर, एक्ट्रेस, सिनेमा, कंपोजर, स्क्रिप्ट राइटर, मूवी स्टोरीज, तो जो मूवीज से रिलेटेड वोकैबुलरी है उस वो आपके पास होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है दोस्तों, नंबर थ्री, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री को आप बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। यही जो पॉइंट्स, यही जो चीजें हैं आपको अच्छे बैंड स्कोर की ओर लेके जाएंगे। यूज ऑफ मिक्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जब भी आप ग्रामर सीखो तो कोशिश कीजिए आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना वहां पे सीखो। हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत गलतियां करो। तो ये सिक्स बैंड का पैरामीटर क्राइटेरिया है जो एग्जामिनर आपको अवॉर्ड करने के लिए यूज करता है। अब दोस्तों सीखते हैं कि कैसे आप आई स्पीकिंग की प्रेपरेशन कर सकते हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिक्स बैंड एक्वायर करो। चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर लिया है जो जनवरी 2020 के एग्जाम से है। किसी भी आई स्पीकिंग के इंटरव्यू के थ्री पार्ट्स होते हैं। पार्ट वन, जिसमें आपको, जिसको इंट्रोडक्शन राउंड कहा जाता है। पार्ट टू, ये एक स्पीच है, यहाँ से यहाँ पे आपको 1 और 2 मिनट बोलना है। और पार्ट थ्री में डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं। अब जब एग्जामिनर आपको कहता है कि आपको एक लेंथ पे बोलना है, पार्ट वन में यू शुड बी स्पीकिंग ऑन ए लेंथ, राइट? तो वो क्या होगा, जो हमारे फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको आप एक लाइन में आंसर कीजिए। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अशोक कुमार, व्हाट शुड आई कॉल यू, सर यू कुड कॉल मी और यू कैन कॉल मी विद माय फर्स्ट नेम अशोक, डू यू वर्क और स्टडी, सर आई डू बोथ एट प्रेजेंट, आई हैव बीन डूइंग ए डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ए लोकल यूनिवर्सिटी, अपार्ट फ्रॉम दिस आई वर्क पार्ट टाइम टू मैनेज माई एक्सपेंसिज, या फिर योगी आप ये कह सकते हो, वेल सर आई वर्क एज एन अकाउंटेंट इन माई होम टाउन,
अगर आप स्टूडेंट हैं, यू कैन से दैट, वेल सर, आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव बीन डूइंग ए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बस इसमें बोल दिया। जब बात आएगी टॉपिक क्वेश्चंस की, जैसे हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू यूजुअली इन द इवनिंग, और जब रियल क्वेश्चंस की बात आएगी आपके नॉर्मल इंट्रोडक्शन से हटके, तो आपको वहाँ पे थोड़े से लेंथी आंसर देने हैं। कोशिश कीजिए जो आपके आंसर हो वो कम से कम 3 से 4 सेंटेंसेस के हो, इससे छोटे अपने आंसर बिल्कुल भी मत कीजिए। और एक और खास बात, अपने आप को ज़्यादा हाई फाई प्रेजेंट करने की कोशिश मत करें पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 1 आपका इंट्रोडक्शन राउंड है, जिससे आप जिससे एग्जामिनर आपसे एग्जामिनर से फेमिलियर होते हो। तो पार्ट पार्ट 1 को आपको इस तरीके से डील करना है। और अब देखिए, वहां पे जब हमने आयल्स बैंड डिस्क्रिप्टर को स्टडी किया था, वहां पे एक बात और दी थी कि जनरली पैराफ्रेज आपको करना आना चाहिए। जनरली पैराफ्रेज आप कैसे कर पाओगे? मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, तो डू से आपको समझना है कि ये टेंस कौन सा है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पैराफ्रेज करना है। आप इसको बदल के आंसर नहीं दे सकते। अब जैसे डू यू लाइक टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, आप ऐसे नहीं कह सकते यस आई विल गो आउट विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग एंड वी विल वॉच मूवी नेक्स्ट वीक। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो, डू यू यूजली डू यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग, तो इसको कह सकते यस सर आई डू, बट नॉट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बिजी विद माई स्टडी और आई हेल्प माई पेरेंट्स विद देयर वर्क। सो इस तरीके से आपको उसी टेंस में आंसर करना है इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट 6 बैंड। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों क्यू कार्ड की। क्यू कार्ड के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि सारे बैंड क्यू कार्ड में उनको मिलने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है। हर एक पार्ट का अपना एक रोल होता है, अगर आप उस रोल के अकॉर्डिंग चलोगे तो अच्छा बैंड स्कोर आप एक्वायर कर पाओगे। तो क्यू कार्ड में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी आपको क्यू कार्ड का टॉपिक दिया जाए, जब आप उसके नोट्स बनाओ, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें टेंस कौन सा है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पूरी स्पीच प्रिपेयर कीजिए। और दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं वहां पे उस क्यू कार्ड में जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करना ना भूलें। जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे आपकी जो स्पीच है क्यू कार्ड वाली वो ऑलरेडी लेंथी हो जाएगी, नॉट हैव एनी डिफिकल्टी ऑफ टाइम एज वेल, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक मोर देन ए मिनट। तो क्यू कार्ड में क्या कहा जाता है, एक से 2 मिनट आपको बोलना है, तो अगर आप 1 मिनट 40 सेकेंड्स परफॉर्म करते हो, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो इस बात का आपको क्यू कार्ड में ख्याल रखना है। जब बात आती है दोस्तों डिस्कशन क्वेश्चंस की, डिस्कशन क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा लेंथी आंसर नहीं देते। आपको क्या करना है, जब आपको डिस्कशन क्वेश्चंस में अपने आपको प्रेजेंट करना हो, आंसर देने हो, तो कोशिश कीजिए 7 से 8 लाइनों में आंसर देने की। जब आप 7 से 8 लाइनों में आंसर दोगे तो आप एक अच्छा कम्युनिकेशन एग्जामिनर के साथ बिल्ड कर पाओगे। सो दिस इज टिप नंबर, दिस टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से 8 में आपको आंसर देना है, और हो सके तो इसमें जितने ज्यादा कनेक्टर्स फ्रेजिज इडियम्स आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपके फेवर में बात होने वाली है। डू नॉट कर्टेल योर स्पीच शॉर्ट, बस अपनी स्पीच को कम मत कीजिए। 7 से 8 लाइनों में आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप 6 लाइनों तक दोगे तो आपका इंटरव्यू जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर वो आप उम्मीद नहीं कर पाओगे कि वहां तक आप पहुंच पाओगे। सो 7 to 8 sentences यू हैव टू स्पीक इन डिस्कशन क्वेश्चंस। ओके, तो ये एक पूरा आपको बता दिया गया है किस तरीके से आप आयल स्पीकिंग में आपको परफॉर्म करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे कर पाओगे आयल स्पीकिंग की, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दोस्तों, अगर आप 6 बैंड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इसके लिए आप केवल 3 वीक्स में 6 बैंड की प्रेपरेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड, सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर की। अगर आप आयल्स स्पीकिंग के पिछले 10 से 15 टेस्ट को स्टडी करोगे, तो उसमें एक पैटर्न आपको वो प्रेजेंट में होते हैं, और 20% किस में होंगे, पास्ट टेंस में, और 10% होते हैं वो फ्यूचर में। तो इस बात का आपको रखना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना पूरे का पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस प्लान कर सकते हो। तो देखिए कैसे करोगे आप दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें, प्रेजेंट सिंपल को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट।
तो ये तीन टेंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद पास्ट सिंपल एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट, देन फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, और खास ख्याल बिल्कुल ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इज एम आर का यूज कैसे होगा, वॉज वर और विल बी का यूज कैसे होगा, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको राइटिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट आपको कैन, कुड, शुड, वुड, मे एंड माइट का यूज करना भी सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सप्रेशन बढ़िया होंगी तो आप 6 के अबव भी जंप कर पाओगे, राइट। अब एक एक दो चीजें और हैं जो आपको आई स्पीकिंग में तैयार कर लेनी चाहिए, जो काफी मददगार हो सकती हैं आपकी स्पीकिंग के लिए। जैसे एग्जामिनर ने हमसे डिमांड की थी 6 बैंड लेने के लिए, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप आर्टिकल सीखिए, एडवर्ब सीखिए और कुछ एडजेक्टिव भी सीखिए। किसी भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एडजेक्टिव मिल जाएंगे, आप उनको अपनी स्पीच में यूज कीजिए। और जब भी आप ग्रामर सीखो, कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ स्पीकिंग के लिए, नॉट फॉर राइटिंग। राइटिंग का जो बैंड डिस्क्रिप्टर है वो अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। ये पूरे का पूरा दोस्तों हमने आई स्पीकिंग 6 बैंड के लिए पूरा गाइड आपके लिए प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर दिस वे, आई गारंटी यू, आप 21 डेज में, 21 डेज नहीं तो अगर आप स्लो लर्नर हैं तो 1 महीने में आप बड़े अच्छे से आई स्पीकिंग में 6 बैंड एक्वायर कर पाओगे। तो वट यू हैव टू डू दैट आई वॉन्ट टेल, 5 डेज तक आप ग्रामर और इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कीजिए। जब आप 5 डेज में इंट्रोडक्शन और ग्रामर को प्रिपेयर करोगे तो आपको एक लेंथ पे बोलना आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज आप यूज कीजिए क्यू कार्ड्स के लिए, वहां पे आप पार्ट 1 और क्यू कार्ड की प्रेपरेशन कीजिए। नेक्स्ट 5 डेज आप दीजिए टॉपिक्स को, ठीक है। आप शुरुआत कैसे करोगे, पहले 5 दिन आपने प्रिपेयर की ग्रामर और इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद ऐड कीजिए क्यू कार्ड को भी। अब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर रहे हो, तो क्या करना है, नेक्स्ट 5 डेज में जब आप एंटर करोगे तो आप डिस्कशन टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लोगे। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करोगे, और जो नेक्स्ट आपके 7 डेज बच गए हैं, उन 7 डेज में आप कंप्लीट टेस्ट की तैयारी, कंप्लीट टेस्ट जिनमें 1 या 2 बार जरूर दीजिए, एक बार तो आपको मैंडेटरी देना ही देना है। तो देखना, आई गारंटी यू यू विल बी एबल टू स्कोर बैंड 6 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट को बहुत इग्नोर किया जाता है, तो आपको क्या करना है, जब आप ग्रामर की प्रेपरेशन करो तो आप फर्स्ट पार्ट को साथ के साथ प्रिपेयर कीजिए। जैसे ही आपकी ग्रामर और पार्ट 1 प्रिपेयर हो, उसके बाद क्यू कार्ड को ऐड कीजिए। अगले 5 दिन आप पार्ट 1 और क्यू कार्ड को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। उसके बाद क्या है कि आप फिर डिस्कशन टॉपिक्स को भी ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से कंप्लीट टेस्ट आप स्टेप बाय स्टेप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रिपेयर कर पाओगे, और जो बाकी के 7 डेज बचे, उन 7 डेज में आप कंप्लीट टेस्ट की प्रेपरेशन करते रहोगे। दिन में एक बार, अगर हो सके तो 2 बार टेस्ट दीजिए। आई गारंटी यू आप फुल्ली कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच को दे पाओगे, आइल्स टेस्ट को डील कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने एक पाथ आपको शो कर दिया है, जिससे आप वॉक करके आइल्स स्पीकिंग में 6 बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्वायर कर पाओगे। अगर इस वीडियो ने कहीं पे भी आपकी मदद की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।